नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन। अपना उत्तर प्रदेश में पहली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर अस्पताल और सिस्टम की लापरवाही के कारण एक युवक पर भारी पड़ा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक को अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया गया। तो वहीं पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद के मोर्चरी में ही ठंड में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से युवक की पहचान सामने आई है। घायल युवक का नाम श्रीकेश बताया जा रहा है और वह हजरत नगर गढ़ी थाने इलाके का रहने वाला भी बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने उसके घर पर संपर्क किया और बताया है इस पूरे मामले के बारे में। वहीं पुलिस अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज जो है जिसका नाम श्रीकेश है, वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मॉर्चरी में इसको रखवा दिया गया। कितने घंटे बॉडी रखी गई थी मॉर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है सुबह, जो है वो ये जो है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो जब प्रकरण देखा गया तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर संविदा कर्मचारियों के हड़ताल का मामला सामने आया है। जहां पर बता दें कि पिछले कई दिनों से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर कार्यरत हैं और साथ ही अपने कार्यों का बहिष्कार भी किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी संघ बैनर के तले गोंडा में लगातार दूसरे दिन भी बहिष्कार जारी रहा। इस कार्यक्रम में मध्यांचल अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष अतुल सिंह, मंडल महामंत्री आशुतोष सिंह समेत कई लोग भी मौजूद रहे। वहीं साथ ही सैकड़ों कर्मचारी और पदाधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक युवक को रौंद दिया गया है। वहीं साथ ही बताया जा रहा है कि बाइक सवार और राहगीरों को रौंदा गया है। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर बिटली घाट के पास इको कार ने बाइक सवार और राहगीर को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, वहीं राहगीर गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। हादसे को अंजाम देने से पहले इको कार फरार हो गया, उसके बाद वहीं घायल का नाम भजन लाल बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है। एक्सीडेंट हो गया, बिजली घर जा रहे थे। ये क्या काम करते हैं? बिजली घर पर ड्यूटी। अच्छा, क्या हुआ था एक्सीडेंट, कैसे हुआ था पता चला? एक्सीडेंट सर जी बताओ, मुझे बताओ। चलो, मौत हो गई। हाँ, मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गई। मुख्य पुजारी की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये मामला सामने आया है, जहां पर मुख्य पुजारी समेत साध्वी की भी हत्या की गई है। पूर्वांचल के महाराजगंज से है ये खबर, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। 70 साल के मंदिर के मुख्य पुजारी रामरतन मिश्र और 60 साल की साध्वी कलावती की मंदिर में ही सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई है और दोनों पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया है। दोनों की लाश को मंदिर में ही बरामद किया गया है। वहीं ये वारदात डबल मर्डर की लग रही है और इससे सनसनी फैल गई है, लोगों में इसको लेकर के नाराजगी व्याप्त है। तो वहीं लोगों का कहना है कि बीजेपी राज में मंदिर में साधु महात्मा समेत पुजारियों की हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। घटना की जाँच के बाद DIG ADG जोन गोरखपुर SP प्रदीप कुमार गुप्ता और साथ ही महाराजगंज फोर्स बल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुटी हुई है। लगभग 70 साल एज थी और एक महिला रहती थी, उनकी भी करीब 60-65 साल एज थी। इन दोनों की रात में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला कुछ पैसे और संपत्ति का लेके लग रहा है, बाकी अभी विवेचना होगी। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई। जहां एक और अपराधी बेलगाम है, तो वहीं साथ ही पुलिस भी इन पर नकेल कसने के लिए अभियान चला रही है। आपको बता दें कि ये अभियान
सोनभद्र में चलाई गई है। सोनभद्र जनपद में लगातार अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए पुलिस की तरफ से माफिया और अपराधियों के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ही जनपद के 5 गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी 1,86,22,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। वही सभी अपराधी वर्तमान समय में न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में है। सोनभद्र पुलिस द्वारा माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दिनांक 18/11/21 को जनपद के 5 गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए 1,86,22,000 रुपये की चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां पर आपको बता दें कि औरैया में दरअसल मामला कुछ यूं था कि औरैया में छोटे भाई को मौत के घाट उतारा गया है। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शुक्रवार की रात में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काट करके उससे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं साथ ही पुलिस तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने में भी जुटी हुई है। के ग्राम गणेश प्रवा में जो है आज एक घटना हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो है जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में पूर्व विवाद चल रहा है, जिसमें बड़े भाई ने एक छोटे भाई को रात में सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवाया जा रहा है अग्रिम के। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मनमानी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां पर मामला दरअसल कुछ यूं है कि बिजनौर में हर साल गंगा स्नान मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन ने गंगा स्नान मेले में हेलीकॉप्टर मंगाया था। हेलीकॉप्टर के जरिए ही श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाने थे, तो वहीं प्रशासन के मंसूबों पर भाजपा नेता ने ही पानी फेर दिया। भाजपा नेता ने हेलीकॉप्टर पर अपना कब्जा जमा लिया और इसके बाद बिना फूलों की वर्षा के ही हेलीकॉप्टर घंटों लाइन में खड़ी रही। खबर फरुखाबाद से है, जहां पर भू माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां पर भू माफिया भू कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे। भू माफिया दबंगई के बल पर बेसहारा विधवा महिलाओं की जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। विधवा महिला की जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने जेसीबी मशीन तक चलवा दी। महिला अपने नातिन के साथ ही अकेली रहती है, तो वहीं दबंगों ने नातिन को उठा ले जाने की भी धमकी दी। महिला ने पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और 20 दिन से महिला न्याय के लिए चक्कर काट रही है, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने महिला की अभी तक कोई भी फरियाद नहीं सुनी है। वृद्ध महिला ने पुलिस पर पैसों के लेन देन कर दबंगों से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। हमारी समस्या ये है, हमें बेघर करते हैं। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं आप? हम यहीं रहते हैं, पटवन गली में। यही मेरा बेघर। कौन लोग कर रहा है आपको? जो ठलुआ लोग आए, दबंगी लोग आए, और जो क्या नाम है, कुछ लोगों का नाम पता है आपको? संदीप गुप्ता ने बेची है। हाँ, किशन पाल ली है। बताओ क्या मामला, क्या पूरा? किशन पाल और संदीप गुप्ता ने बेची है। हाँ। जमीन आपकी है? जमीन हमारी है, लेकिन खरीद फरोख्त दूसरा कर रहा है कोई। हाँ। खबर उत्तर प्रदेश की उन्नाव से है, जहां पर गैस रिफिलिंग के दौरान ही विस्फोट हो गया। आपको बता दें कि ये गैस का जो कारोबार है वो अवैध रूप से संचालित किया जाता था। अजगैन कोतवाली अंतर्गत नवाबगंज कस्बे में अवैध तरीके से संचालित HP गैस सिलेंडर के गोदाम में शुक्रवार की शाम को 4 बजे ये विस्फोट हुआ है, जिसमें गैस गोदाम के अंदर ही मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। इस बीच गोदाम संचालक ने घायलों को लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल भेजा है और गोदाम में ताला डाल करके भाग निकले हैं। गोदाम में गैस लपटे देख करके पड़ोसियों ने सोशल मीडिया पर खबर वायरल की, जिसके बाद लगभग 7 बजे गोदाम की बाउंड्री फांद करके अजगैन पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे धमाके से उड़ गए गेट और टूटी हुई खिड़कियों के कांच और सैकड़ों की संख्या में पड़े मिले कंपनियों के गैस सिलेंडर भी मिले हैं।
खबर फरुखाबाद से है, जहां पर स्कूलों में ताले लटकते हुए पाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षक की ये लापरवाही बताई जा रही है। आपको बता दें कि टीचर की मनमानी से प्राथमिक विद्यालय में ताले लटकते हुए मिले। 10 बजने के बावजूद भी स्कूल नहीं खोला गया। वहीं छात्र छात्राएं जो वहां पहुंची थी पढ़ने के लिए, उनको घर लौटने को मजबूर होना पड़ा। सुबह 10 बजे के बाद भी विद्यालय में ताला ही लटका रहा, क्योंकि ये शिक्षकों की लापरवाही और मनमानी, इससे साफ जाहिर होती है कि शिक्षक किस तरह से अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं और बच्चों के भविष्य को काले अंधेरे में झोंक रहे हैं। विकासखंड कायमगंज के ग्राम बहलेपुर का प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर शिक्षकों की मनमानी के वजह से बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही ये बताया जा रहा है कि शिक्षा माफिया की जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया है। शिक्षा माफिया की 6,96,00,000 की कीमत की जमीन को कुर्क किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुनादी बजा करके ये कुर्क किया गया है। वहीं शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पर भी गैंग बनाकर नकल और पेपर आउट करने का भी आरोप लगा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ही आपको बता दें कि 0.278 हेक्टेयर जमीन को कुर्क किया गया है। वहीं शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा अवैध रूप से अर्जित किए हुए धन से जमीन भी उसने खरीदी थी। अपने पुत्र रमेश कुशवाहा के नाम से ये जमीन खरीदी थी, जिसे कि अब कुर्क किया गया है। वहीं सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन के रघुनाथपुर गाँव में ये पूरी मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर जमीन को, शिक्षा माफिया की जमीन को ही कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश, जिसमें शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बंसी कुशवाहा द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा है कि उन्होंने शिक्षा को अनाधिकार रूप से कब्जे में कर लिया और नकल कराना, पर्चा आउट कराना ये कार्य करते थे। ये शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पुत्र बंसी कुशवाहा के विरुद्ध सामूहिक नकल कराना, पर्चा आउट कराना आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।